देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर में आज 26 सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नौशेरा और राजनाथ सिंह ने रविवार को जम्मू में प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी सोमवार को सूरनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला के साथ रैली करते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठकों की आज अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले शामिल होंगे। बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन आज यानी 25 सितंबर को पार्टी महासदस्यता अभियान चलाएगी। अपने इस अभियान में बीजेपी ने देश के 1 करोड़ लोगों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान में पार्टी केंद्र, राज्य, जिला, मंडल से लेकर बूथ लेवल तक सदस्यता महाअभियान का विशेष ड्राइव चलाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एडिलेड में होने वाली 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फेरल के साथ से अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि वो 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के यात्रा पर गए थे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 75 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वहीं अब भाजपा ने आज प्रदेश के हर बूथ पर 100 से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब भाजपा ने 24 घंटे में 10 लाख सदस्य बनाए हैं। मेटा कनेक्ट 2024 इवेंट आज आयोजित किया जाएगा। मेटा का एनुअल इवेंट आज आयोजित होना है। ये कंपनी का बड़ा सालाना इवेंट है जिसमें वह नए हार्डवेयर और एआई पावर्ड प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। मेटा के इस इवेंट को फेसबुक के जरिए लाइव देखा जा सकता है। उम्मीद है कि इवेंट में एआर वीआर डिवाइस ला सकती है। जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्री समूह GOM की बैठक आज होगी। बैठक में कर स्लैब और दरों में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मंत्री समूह की पिछली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। संविदा पर कार्यरत रोडवेज बस ड्राइवर आज जयपुर में होने वाले धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। झालावाड़ के ड्राइवरों ने सामूहिक रूप से अवकाश के लिए रोडवेज मुख्य प्रबंधक को अपनी ओर से हस्ताक्षर युक्त एप्लीकेशन दी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को हाथों को मजबूत करने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार मिशन के अंतर्गत आज लखनऊ के अलीगंज में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत इस दिन अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक विशेष रोजगार मेले का आयोजन होगा। सितंबर के महीने में देश की राजधानी दिल्ली में जमकर बादल बरसे और बारिश ने अपना तय आंकड़ा पार कर लिया है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने आज फिर तेज बारिश होने की संभावना जताई है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1977 में फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1981 में मध्य अमेरिकी देश बेली संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। आज ही के दिन 1990 में भारत के भूतपूर्व 20वें मुख्य न्यायाधीश एस मुखर्जी का निधन हुआ था। आज ही के दिन 2003 में गयूम ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव 6ठी बार जीता था। आज ही के दिन 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।